ठीक है, रिलेशन बिटवीन रिफ्रेक्टिव इंडेक्स एन एंड क्रिटिकल एंगल आई सी, और उसको सी लिखते हैं। वी नो दैट साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू वन बाई एन, लेकिन असल में ये यहां एन होता है, असल में यहां पर क्या होता है एन, लेकिन लिखा क्या मैंने वन बाई एन, क्यों, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है आई वो कहां पर है, वो डेंसर मीडियम में है। जब हम लिखते हैं साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू एन, तब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है रियर मीडियम में, लेकिन यहां पर हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस डेंसर मीडियम है, इस वजह से हम इसको वन बाई एन लिखते हैं। नाउ व्हेन आई इज इक्वल टू आई सी द क्रिटिकल एंगल, तब क्या होता है आई सी, तब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है 90, जो मैंने आपको बताया। सिंस तो यहां पर सबस्टिट्यूट करेंगे आर 90 एंड दिस आई आई सी, तो बनेगा साइन आई सी बाई 90, साइन 90 किसके बराबर होता है 1, सो साइन आई सी इज इक्वल टू 1 बाई एन, और एन इज इक्वल टू 1 बाई साइन आई सी। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन रिफ्रेक्टिव इंडेक्स एंड क्रिटिकल एंगल, एंड रिफ्रेक्टिव इंडेक्स फॉर 1 बाई रेसिप्रोकल ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल। इज इट क्लियर? अब है डिपेंडेंस ऑफ क्रिटिकल एंगल आई सी ऑन वेव लेंथ लैम्ब्डा, क्या इसमें क्या डिपेंडेंस है। देखो हमें पता है साइन, अभी हमने किया साइन आई सी इज इक्वल टू 1 बाई एन, किया था साइन आई सी इज इक्वल टू 1 बाई एन, अभी हमने रिलेशन निकाली। ठीक, नाउ अकॉर्डिंग टू कॉशे, सी ए यू सी एच कॉशेज वाई कॉशेज रिलेशन फॉर्मूला, कॉशे एक साइंस था, उसने एक फॉर्मूला दी, रिलेशन बिटवीन रिफ्रेक्टिव इंडेक्स एंड दिस वेव लेंथ, वो होता है ऐसे ए प्लस 1 बाई बी बाई लैम्डा सी स्क्वायर प्लस डैश डैश, उसमें और भी हायर टर्म्स है एंड ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट्स। ठीक, इसका मतलब इट इम्प्लाइज दैट कि अगर मैं इसको ए को छोड़ दू, इसको ए को जीरो कर दू, ठीक, बी को वन कर दू, इट मीन्स दैट एन इज प्रपोर्शनल टू लैम्डा स्क्वायर। सो ज्यादा रिफ्रेक्टिव, अगर वेव लेंथ ज्यादा होगी तो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, अगर ज्यादा वेव लेंथ तो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कम होगा। ठीक है, बात समझ में? तो अगर मैं यहां पर इसमें दे दू, कंपेयर करो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, तो एन के मैं क्या लिखूंगा इसको, ये आएगा साइन आई सी विल बी प्रपोर्शनल टू लैम्डा स्क्वायर, इसको अगर कंपेयर करो। उसका मतलब है अगर क्रिटिकल एंगल, अगर वेव लेंथ ज्यादा होगी तो क्रिटिकल एंगल भी ज्यादा होगा, क्योंकि साइन का वैल्यू बढ़ना चाहिए अगर वेव लेंथ, तो वेव लेंथ किस कलर की ज्यादा है, रेड की, लैम्डा रेड इज ऑलवेज ग्रेटर देन द अदर कलर्स ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम। विजिबल स्पेक्ट्रम क्या होता है, वेवगाइड, वायलेट इंडिगो ब्लू ग्रीन येलो ऑरेंज रेड, इसको कहते हैं विजिबल स्पेक्ट्रम, विजिबल स्पेक्ट्रम। तो इसकी सबसे हाईएस्ट वेवलेंथ होती है रेड की, और वायलेट की होती है सबसे लोएस्ट, बाकी इनके दरमियान। तो रिफ्लेक्ट इंडेक्स किसका ज्यादा होगा, रेड का या ब्लू का, वायलेट का, वायलेट का ज्यादा होगा। सो रिफ्लेक्टिव ऑफ वायलेट विल बी ग्रेटर देन द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड कलर, बिकॉज लैम्डा रेड इज ग्रेटर देन लैम्डा वायलेट। इसका मतलब है कि रिफ्रेक्टिव इंडेक्स होता है बैंड कितना होगा, तो ज्यादा कौन सी बैंड होगी, रे वायलेट या ब्लू, वायलेट या रेड, इट विल बी वायलेट, बिकॉज वायलेट हैज स्मॉलर वेव लेंथ देयरफॉर हायर रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, रेड हैज हायर रिफ्रेक्टिव इंडेक्स हायर वेव लेंथ देयरफॉर इट हैज लोअर रिफ्रेक्टिव इंडेक्स। सो अगर यहां पर एक स्लैब है, तो अगर मैं रेड कलर की लाइट डालूंगा, मिसाल के तौर पर वो इतनी बैंड होगी, अगर वायलेट कलर की होगी,
वायलेट कलर की तो वो ज्यादा बैंड होगी। बात समझ, ये वायलेट वाली, ये रेड वाली, बिकॉज वायलेट का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, रेड का कम है, रेड की वेव लेंथ ज्यादा है, वायलेट की कम। दिस इज द रिलेशन बिटवीन वेव लेंथ एंड क्रिटिकल एंगल। सो ग्रेटर द वेव लेंथ, ग्रेटर विल बी द क्रिटिकल एंगल, स्मॉलर विल बी द रिफ्रेक्टिव इंडेक्स। क्लियर?